वेलकम इन फरहान फिल्मपिनोर चैनल। आई एम फरहान सिद्दीकी। आज हम स्टडी करेंगे एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर कंपोजिटिंग में बहुत ज़्यादा काम आती है, या पर टाइम सेवर होती है। इसके नीचे जितनी भी लेयर्स होती हैं वो सारी इफेक्ट होती हैं, यानी अगर आप एडजस्टमेंट लेयर पर कोई इफेक्ट लगाते हैं तो नीचे की जितनी भी लेयर्स होती हैं वो इफेक्ट करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट लेयर, आ जाइए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडजस्टमेंट लेयर। जैसे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्लिप्स रख दिए हैं 1, 2 और 3। एडजस्टमेंट लेयर के लिए हम यहाँ पे आएंगे लेयर में, न्यू में और एडजस्टमेंट लेयर, या आप राइट क्लिक कर सकते हैं न्यू में एडजस्टमेंट लेयर। क्लिक किया और यहाँ पे लेयर हमारी आ गई। अब देखें ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कोई इफेक्ट नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी जब तक हम इसमें कोई इफेक्ट ना लगाएं। देखें तो मैं कंट्रोल ऑल्ट एफ के साथ ये अपनी जगह पे आ गए। अगर मैं इसमें कोई इफेक्ट लगाता हूँ, सपोज़ करें ह्यू एंड सेचुरेशन, HUE ह्यू आ गया, मैं इसको डबल क्लिक करूँगा। इफेक्ट के लिए या तो आप यहाँ ये यूज़ कर सकते हैं, या आप इफेक्ट में जाके ये सारे इफेक्ट्स आ रहे हैं यहाँ से भी इफेक्ट्स ले सकते हैं। चैनल से ह्यू एंड सेचुरेशन, RGB, ये वही चीज़ें जिस तरीके से फोटोशॉप में होती हैं। अब मैं इसमें कोई कलर चेंज करता हूँ, लेट्स से ये चीज़ मैंने कर दी। ये कलर करेक्शन के लिए भी बड़ी काम आ रही होती है ह्यू एंड सेचुरेशन और एडजस्टमेंट लेयर भी। अब देखिए जितना भी मैंने इस पे लगाया है लेकिन सब जगह ये अप्लाई होगा। ये देखें इस पे भी अप्लाई हुआ है और इस पे भी अप्लाई हुआ है। अगर मैं इस लेयर को यहाँ नीचे रख दूँ तो देखिए इस लेयर पे अप्लाई नहीं हुआ, ऊपर वाली लेयर पे अप्लाई होगा और नीचे वाली लेयर पे अप्लाई नहीं होगा। सिर्फ यही नहीं, आप कोई दूसरा भी इफेक्ट्स लगा सकते हैं। अगर मैं इसकी लेवल करता हूँ, क्लिक किया, उसकी लेवल एडजस्टमेंट कर दी, यानी मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया। अगर मुझे दिखाने हल्का सा सिल्वेट दिखाना है इनको, डार्क किया। और इस लेयर में हम लोग मास्क भी लगा सकते हैं, इसको मैंने मास्क कर दिया बंदे को। जितना जूम करेंगे आप उतना अच्छा मास्क बनेगा। रफली मैं फास्ट मास्क बना देता हूँ ताकि ये आपको मालूम चले कि आगे होने वाले क्या है। हल्का सा मैंने इसको फेदर दे दिया। अब देखिए सिर्फ इफेक्ट जो हुआ है वो इसी पे हुआ है, बाकी जगह किसी पे नहीं हुआ लेयर पे। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ नन तो सब पे हुआ है, ऑन कर देता हूँ तो ये हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं इसको चाहूँ, ये क्लिप है इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इस क्लिप को ऊपर लाया और इसको भी मैं छोटा कर देता हूँ समझाने के लिए आपको। देखें अब ये लेयर पे जो भी कुछ होगा वो इन दोनों पे इफेक्ट कर रहा है। अगर मैं इसको एडजस्टमेंट लेयर को नीचे लाता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इस लेयर पे इफेक्ट हो रहा है, ये देखें, और इस लेयर पे नहीं हो रहा। तो ये बड़ी काम करती है कंपोजिटिंग वगैरह में, जब हम कभी आगे जाके प्रोजेक्ट्स वगैरह करेंगे तो इसको मज़ीद हम पॉलिश करेंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है। अगर आप चाह रहे हो कि इसको मैं एडजस्टमेंट लेयर बनाऊं तो कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको क्लिक करना है। तो देखिए ट्रांसपेरेंट हो गई। अब कोई भी मैं इफेक्ट इस पर लगाऊँगा, लाइक ब्लर करना है मुझे, गॉशियन ब्लर, तो देखिए देखिए इतना ही पार्ट जो है ब्लर हो रहा है, देख रहे हैं आप। इसको आप एनिमेट भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैं ऑफ करता हूँ, इसको मैं वापस अपनी जगह पे लाता हूँ और इसको मैं ये कर देता हूँ, गॉशियन ब्लर लगाया। फिफ्टी ताकि आपको ज़्यादा पता चले। रिपीट एच पिक्सल, ये देखें रिपीट एच पिक्सल, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल ब्लेंड कर देगा। अब इस चीज़ पे मैं यहाँ पर
मास्क लगा देता हूँ लाइक दिस, और इस मास्क को मैं एनिमेट करता हूँ एम प्रेस करके। वापस मैं यहाँ पर आया, इसको मैं यहाँ लिख गया, वापस मैं आया और इसको यहाँ लिख गया। ज़ीरो प्रेस करके देखें, ये थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए, फास्ट जा रहा है, मैं स्लो कर देता हूँ, ये देखें। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए फोटोशॉप में स्टिल पे काम होता है, आफ्टर इफेक्ट में मोशन पे। तो जहाँ पे भी कोई भी लेयर की बात आएगी तो उसमें आप ज़रूर याद रखिए कि मोशन ही करना है, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट में वीडियो पे काम हो रहा होता है, स्टिल्स पे नहीं। तो ये थी छोटी सी क्लास एडजस्टमेंट लेयर के बारे में। एडजस्टमेंट लेयर का कॉन्सेप्ट यही है कि ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, कोई भी इफेक्ट लगाएं उसके नीचे जितनी भी लेयर्स होंगी उस पर यूज़ होता है। कलर ग्रेडिंग, कलर करेक्शन और पर्टिकुलर कोई इफेक्ट आपको चाहिए होता है। और एक और चीज़ ये होती है, एक लेयर एक इफेक्ट अगर आप लगा रहे हैं जो कि आपको लाइक 10 लेयर्स में लगाना है, तो उससे बचने के लिए आप एक लेयर में यानी एडजस्टमेंट लेयर पे लगाएं, तो 10 लेयर पे लगाने से आप बच सकते हैं। तो बड़ा टाइम सेविंग का काम करती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।